बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। सो क्लास, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर ऑल ऑफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, ये आपकी बुक का पेज नंबर 56 पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर दैट व्हाट कंटेंट्स एंड व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। इज इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द लॉस ऑफ इंडिसीज। डिफरेंट लॉस होते हैं हमारे पास इंडिसीज क्या होते हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अबाउट नंबर्स विद रैशनल नंबर्स एंड ऑल द दीज टॉपिक्स। ओके, but all of you know very well that these are the very large topics, so we cannot do it in just in one video. Okay, so I'm going to start this chapter. All of you can see the name of the chapter, which is exponent and radicals. Okay, so hum exponent and radicals se hi start kar lete hain. If several terms are multiplied together, अगर बहुत सारी term एक दूसरे से multiply की जाएं, the result is called continued result. ठीक है, continued product. All of you can see over है, जिसमें 30 है, 30 को अगर मैं multiply करूं इस तरह, मतलब 30 को अगर मैं break करूं तो क्या क्या 30 के factors बनेंगे, 2, 3 and 5. So basically this is the continued product. Why this is continued product? Because these are the several terms and these are the also different terms. Okay, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहलाएगा। द टर्म्स आर सेपरेटली कॉल्ड फैक्टर्स। अब मैं इन टर्म्स को अलग अलग देखू ना, ये सिर्फ 2 की बात करूं या सिर्फ 3 की बात करूं या सिर्फ 5 की बात करूं, सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, अगर मैं सिंगल सिंगल टर्म की बात करूं, सो ये जो 30 के जो 30 को जब हमने ब्रेक किया है तो ये जो सारे नंबर आए बेसिकली क्या है, फैक्टर्स हैं 30 के। सही है, मतलब 30 इन नंबर से ब्रेक हो सकता है। नाउ इसी तरह आपके पास एक सेकेंड एग्जाम्पल का गिवन है, ए क्यूब। अब ए क्यूब यहाँ पे तो पहले जो एग्जाम्पल हमने देखी वो हमारे पास जस्ट एक नंबर था। अब हम जो देख रहे हैं, अब हमारे पास एक अल्फाबेट आ गया। ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर हियर, अब हमारे पास ये क्या आ गया, एक अल्फाबेट आ गया। ठीक है, ए क्यूब इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय, मतलब ए को मैंने 3 दफा ब्रेक करके लिख दिया। तो बेसिकली मैं क्या कहूंगी, ये जो सिंगल सिंगल ए है बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस ए क्यूब, ये ए क्यूब के फैक्टर हैं। और अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है वो समझ आ गए होंगे। फैक्टर हम कहते हैं सिंगल सिंगल सेपरेट टर्म्स को। सही है, नाउ इफ द सेम फैक्टर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, क्या कह रहे हैं, अगर एक ही फैक्टर हो जो सेम है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द फैक्टर। अब मेरे पास जिस तरह से आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मेरे पास ए क्यूब, ए क्यूब के क्या क्या मेरे पास फैक्टर्स आए थे, ए ए ए। अब देखिए ये तीनों फैक्टर्स सेम फैक्टर है, ए ए ए, दीज थ्री आर द सेम फैक्टर और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पावर ऑफ द फैक्टर है। ये हमारे पास क्या होता है, पावर ऑफ द फैक्टर होता है। जिस तरह से यहाँ पे देखेंगे इसी एग्जाम्पल को इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट में करके लिख दिया, ए इज अ फैक्टर ऑफ ए क्यूब। ए जो है वो ए क्यूब का क्या है, फैक्टर है। ये ए सिंगल ए ए क्यूब का फैक्टर है। ये तो फैक्टर की फॉर्म में बोल दिया, मैं अगर पावर की फॉर्म में बोलूँ तो कैसे बोलूंगी, ए क्यूब इज द थर्ड पावर ऑफ ए। जो ए क्यूब है वो थर्ड पावर है ए की, ए की मतलब थर्ड पावर है। सही है, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी बोल सकते हैं, बोथ आर द राइट वेज। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसी चीज को हम दूसरी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पहली वाली एग्जाम्पल में क्या ये सेम चीज अप्लाई कर सकती हूँ, ये पावर वाली चीज नहीं अप्लाई कर सकती। क्यों? क्योंकि 30 के जो फैक्टर्स तो हैं, बट दीज आर नॉट द सेम फैक्टर्स, 2, 3, 5 तीनों अलग अलग फैक्टर हैं। ठीक है, अगर तीनों सेम होते कुछ भी कर तो जो है मैं तब इसको इन द फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ द फैक्टर लिख सकती थी, लेकिन अभी मैं नहीं लिख सकती। तभी लिख सकते हैं हम पावर ऑफ द फैक्टर की फॉर्म में जब हमारे पास सेम फैक्टर होते हैं। नाउ थस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन दिस इज द 6 टाइम्स, तो ये बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास 6 दफा 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। अब देखें ये अब 6 टाइम्स जो 2 लिखा हुआ है, अगेन दीज आर द सेम फैक्टर्स, ये सारे सेम फैक्टर हैं, लेकिन सेम नंबर है ना जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको 2 की पावर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, मैं इसको पहले कहूंगी ये 6 पावर ऑफ 2 है, ये 2 की
सिक्स पावर है, सही है। और इसको मैं डिनोट कैसे करूंगी, ऐसे डिनोट करूंगी। ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो इज कॉल्ड द सिक्स पावर ऑफ टू एंड इज डिनोटेड बाय टू की पावर सिक्स। इसको मैं ऐसे ही डिनोट करूंगी, सही है। तो आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा कि हमने जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म में, हम पावर की फॉर्म में तभी लिख सकते हैं फैक्टर्स को जब हमारे पास फैक्टर्स सेम हो। अगर फैक्टर हमारे पास डिफरेंट होंगे जिस तरह से यहाँ पे था, तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ द पावर नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ तब भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट और फैक्टर तब भी कहलाएगा, सही। अभी भी ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट भी है, ये फैक्टर्स भी हैं, सिंगल सिंगल टर्म अगर मैं सेपरेटली बात करूँ ये सब फैक्टर्स भी हैं। और अब एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसको क्या मिल गई, पावर की भी मिल गई। लेकिन अगर मैं ऐसे जो डिफरेंट जिसमें फैक्टर्स होते हैं, इसमें मैं फैक्टर भी बोल सकती हूँ, कंटिन्यूड प्रोडक्ट भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या है, डेट आर वी मस्ट हैव सेम फैक्टर्स, हमारे पास सेम फैक्टर्स होने चाहिए, सेम वैल्यू के फैक्टर्स होने चाहिए। सो हियर यहाँ पे अभी आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 57। इसका स्टार्ट से देख लेते हैं हम। इन दिस एक्सप्रेशन 6 की पावर 3 इक्वल्स टू 216। अब देखें, पहले तो मैंने जो है वो पावर की फॉर्म में लिखना सीख लिया था। मैं अगर 6 की पावर 3 को इन द फॉर्म ऑफ द फैक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, 6 की पावर 3 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 × 6, ठीक है। तो ये सेम फैक्टर थे, इसकी वजह से क्या बन गई, पावर बन गई। अब इस पावर को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। इन दिस एक्सप्रेशन 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। जब आप 6 की पावर 3 को कैलकुलेटर से निकालेंगे, मतलब 6 का क्यूब निकालेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 216। तो 6 की पावर 3 लिखूं या 216 लिखूं, बात एक ही है, सही है। बिल्कुल इसी तरह 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, तो ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। बट 6 इज द कॉल्ड बेस। अब मैं जब ऐसे एक्सपोनेंट की या पावर की फॉर्म में लिखती हूँ, तो याद रखिएगा जब भी जिसके ऊपर पावर लगी होती, ये पावर है, ये पावर किसके ऊपर लगी हुई, 6 के ऊपर लगी हुई, तो ये 6 क्या कहलाएगा मेरे पास, बेस। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट माई स्टेटमेंट, रिमेम्बर इट, जब भी ये जो पावर होती है, पावर जिस नंबर पे लगी होती है उस बेस को, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब मैं अगर 2 की पावर 2 में पूछूं मेरे पास बेस क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 2 है, ये 2 किस पे लिखा हुआ है, 2 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेस 2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं पूछूं ये 2 किस नंबर पे लिखा हुआ है, 2 हमारे पास 3 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी, सही है। अब 3 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट, और यहाँ पे 3 क्या कहलाएगा, सॉरी, अच्छा यहाँ पे इस वाली एग्जाम्पल में जो छोटा जो नंबर लिखा हुआ है, जिसको हम अभी पावर बोल रहे थे, वो नंबर क्या कहलाता है, वो छोटा नंबर पावर भी कहलाता है, वो छोटा नंबर एक्सपोनेंट भी कहलाता है, वो इंडेक्स भी कहलाता है। मतलब ये जो छोटा ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर है, इस छोटे नंबर के 3 नाम है। फर्स्ट नेम इज एक्सपोनेंट, सेकेंड इज इंडेक्स, थर्ड इज पावर। अगर मैं इसको पावर बोलूं, एक्सपोनेंट बोलूं या इंडेक्स बोलूं, तीनों सेम चीज है, ठीक है। एंड अगर मैं अब इसको इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट बोलूं 216 को, तो 216 इज कॉल्ड एज द थर्ड पावर ऑफ द बेस 6, थर्ड पावर ऑफ बेस 6। देखिए बेस हमारे पास क्या है, 6 है, सही है। तो इस तरह से मैं अपने इस जर्नल, ये दीज आर द बेसिक टर्म्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए, एंड इट विल ऑल्सो बी यूज इन द एक्सरसाइज ऑल्सो। ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर हियर, हमारे पास क्या है, 6 की पावर 3, ठीक है। मेरे पास ये 6 की पावर 3 है, मैंने क्या कहा था, मैं 6 की पावर 3 को किस तरह से लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। जब मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी तो देखिए मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि जिसके ऊपर पावर, जिस नंबर के ऊपर पावर लगी होती है, वो नंबर क्या कहलाता है, बेस। और हम पावर को 3 हमारे नाम होते हैं, इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मैं इन तीनों में से कोई भी नाम यूज करूंगी, इट विल बी कंसिडर्ड एज राइट। अब मेरे पास आ गया ये इस तरह से। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, इफ ए एन, मतलब ए की पावर एन इक्वल्स टू एक्स, एक नंबर है, हमने सपोज कर लिया ए की पावर क्या है, एन, और जिसका आंसर आता है एक्स। ये बिल्कुल इसी तरह है कि 6 की पावर 3 और इसका आंसर आता है 216, तो ये इसके बराबर हुआ। तो बिल्कुल इसको मैं जर्नलाइज फॉर्म में बात कर रही हूँ अभी, कि ए की पावर अगर एन ले लूँ और उसको बोलूँ कि वो एक्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए एन को मैं किस तरह से बोलूंगी, इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ एक्स, इंडेक्स फॉर्म हुई ना, क्योंकि हमने पावर की फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पे बेस, अब याद रखिएगा, जब भी ऐसे नंबर आ जाए तो ये जो बेस होती है ना हमारी, ये नॉट इक्वल टू 0 होती है,
मतलब a हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे a की जगह पे कभी भी जीरो ना आए, अगर जीरो आ जाएगा तो फिर हमारा आंसर ही प्रॉपर पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि a हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है एंड n इज द पावर इंडेक्स ऑफ पावर, और n को हमने अभी शुरू में बता दिया कि हम इंडेक्स भी बोलते हैं पावर भी बोलते हैं। सो हियर आई होप सो ये आप लोग ये देखें बिल्कुल जर्नलाइज करके बताया हुआ आपको, ठीक है, ये जर्नल फॉर्म बताई हुई कि a की पावर n जो है वो x के बराबर है। नाउ इंडिसीज इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड इंडेक्स। अब इंडिसीज जो वर्ड है वो बेसिकली इंडेक्स का प्लूरल है। अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। और अगर देखिए अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पावर है तो वो इंडेक्स कहलाएगा और एक से ज्यादा पावर है तो क्या कहलाएगा, इंडिसीज। अगर मैं अभी लिखूँ टू का क्यूब का स्क्वायर तो देखिए दो पावर आ गई, एक पावर ये दूसरी पावर ये, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, दीज आर द इंडिसीज। ओके द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर नंबर हैज बीन मल्टीप्लाइड। अगेन जो नंबर पावर ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे जैसे टू का क्यूब लिखा हुआ है, तो इस टू का क्यूब का क्या मतलब है कि ये टू कितनी दफा लिखा जाएगा, तीन दफा लिखा जाएगा। तो ये हमें थ्री हमें ये बताएगा कि वो नंबर हम कितनी दफा लिखेंगे। अभी जैसे हमने आप पीछे किया था टू की पावर सिक्स, तो इसको कितनी दफा लिखा था, सिक्स टाइम्स लिखा था ना, तो ये बिल्कुल उसी तरह से सही है, बिल्कुल उसी तरह से कि हमें जो ये इंडेक्स है, ये जो पावर है हमें क्या बताती है, हमें ये बताती है कि हमने उस नंबर को कितनी दफा लिखना है। जैसे यहाँ पे थ्री है तो सिक्स को हमने कितनी दफा लिखा, थ्री टाइम्स लिखा, क्यों, होंगे पावर हमारे पास की इंडेक्स हमारे पास क्या था, थ्री था। नाउ सिक्स की पावर थ्री इज सिक्स रेज टू द पावर ऑफ थ्री। अब मैं सिक्स की पावर थ्री को एक और किस तरह से प्रोनाउंस करती हूँ, सिक्स रेज टू द पावर थ्री, तो ये फॉर्म भी सही है, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहे हैं यहाँ पे, सही है, सिक्स रेज टू द पावर थ्री। और इसके अलावा क्या बोला जाता है, सिक्स रेज टू द थर्ड पावर और सिक्स क्यूब। सिक्स क्यूब तो आप लोग बोलते ही होंगे, सही है, लेकिन बाकी दो थोड़े से न्यू है, सिक्स रेज टू द पावर थ्री बोलें या सिक्स रेज टू द थर्ड पावर बोलें तो बोथ आर द राइट थिंग। नाउ इन दिस एग्जाम्पल यू हैव गिवन, आपको क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द बेस एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे बेस और इंडेक्स को आइडेंटिफाई करना है। अभी बेस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बेस वो होती है जिसके ऊपर पावर लगी होती है, दैट इज बेस। और हमारे पास इंडेक्स क्या होता है, जो ऊपर छोटी पावर होती है उसको मैं पावर भी कहती हूँ, उसको मैं इंडेक्स भी कहती हूँ, उसको मैं एक्सपोनेंट भी कहती हूँ, सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर, तो जो छोटा नंबर होता है उसको तीनों चीजें कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स बोल दिया तो आप समझ जाएंगे कि आपने लिखना है, आपने ये पावर लिखनी है। अब टू की पावर क्यूब, इस बारे में बताएं, मेरे पास टू की पावर क्यूब में मेरे पास क्या होगा, बेस जिसके ऊपर लिखा हुआ है टू, तो बेस क्या हो गई टू, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जो छोटा नंबर है थ्री। इसी तरह पार्ट नंबर टू में भी आप देखें, फोर की पावर टू, फोर की पावर टू में बेस मेरे पास क्या होगी, फोर, क्योंकि टू किसके ऊपर लिखा हुआ है, फोर के ऊपर। एक्सपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, जो छोटा नंबर है विच इज टू। नाउ फाइव की पावर फोर, अब देखें फाइव की पावर फोर का मतलब ये कि बेस मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगी, फाइव, क्योंकि फोर किसके ऊपर लिखा हुआ है, फाइव पे लिखा हुआ है। और हमारे पास पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट क्या होगा, हमारे पास फोर होगा। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखा है, तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इंडेक्स बोलूँ एक्सपोनेंट बोलूँ एक ही चीज है, आप इस एक्सपोनेंट की जगह पे इंडेक्स भी लिख देंगे तब भी ये ठीक होगा। नाउ एट की पावर सिक्स, एट की पावर सिक्स में बेस हमारे पास क्या हो गई, एट, पावर हमारे पास क्या हो गई, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो गया, सिक्स। ना पार्ट नंबर फाइव में हमारे पास थ्री की पावर फोर, थ्री की पावर फोर में बेस मेरे पास क्या है, थ्री है, एक्सपोनेंट मेरे पास क्या होगा, फोर होगा। इसी तरह सिक्स की पावर थ्री, सिक्स की पावर थ्री में मेरे पास बेस क्या है, सिक्स है, और एक्सपोनेंट मेरे पास क्या है, थ्री है, ठीक है। सो दिस इज द वे टू राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट, ठीक है। अब आप लोगों का अगर कोई भी नंबर दे दिया जाए, उसकी बेस और एक्सपोनेंट या बेस और इंडेक्स लिखने का बोला जाए, सो यू नो वेरी वेल कि आपने किस तरह से लिखना होगा। ओके Now I'm moving forward to the next example, which is example number टू, solve the base to the given power। अब आपने बेस को अपनी सॉल्व करना है, अब किस तरह से सॉल्व करना है, देखें ये आपके पास फॉर्म कहलाती है क्लोज्ड फॉर्म, ये क्लोज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको ओपन फॉर्म में करके बताना है, ठीक है, कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। तो फाइव की पावर टू मतलब फाइव का स्क्वायर, ओके, फाइव स्क्वायर का मतलब ये कि मैंने याद है ये जो पावर होती है हमें क्या बताती है कि उस नंबर को हमने कितने टाइम लिखना है। यहाँ पावर क्या है टू, तो मतलब फाइव को कितनी दफा लिखूंगी, टू, टू टाइम्स लिखूंगी मैं, तो फाइव फाइव या 25। इसी तरह सेवन का क्यूब, सेवन का क्यूब मतलब क्यूब जो है वो सेवन के ऊपर लगा हुआ, तो इसका मतलब सेवन को मैं थ्री टाइम्स लिखूंगी, सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन विच कम्स गिव्स यू 343, ओके,
नाउ 8 की पावर 4, अगेन 8 को मैं कितनी दफा लिखूंगी, 4 टाइम्स लिखूंगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4096। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का बोला है, आपको बताया कि आपने इस बेस को सॉल्व करना है, इसकी जो पावर है आपने उसको बेसिकली वैनिश करना है, खत्म करना है इस पावर को आपने। तो आप कैसे खत्म करेंगे, आपके पास एक ही तरीका है इस पावर को खत्म करने का कि आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब आप एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास एक मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म आ जाएगी, एंड आप उसको सिंपली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे या मैनुअली भी कर लेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 2 की पावर 6 है। अब देखिए 2 की पावर 6 का क्या मतलब हुआ, अगेन कि 6 को हमने कितनी दफा लिखना है, 2 टाइम 6 को हमने सॉरी 2 को हमने 6 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 2 को हमने 6 टाइम्स लिखना है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैंने 2 को कितनी दफा लिख दिया, 6 टाइम्स लिख दिया। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 64। अब देखिए यहाँ पे 64 की कोई पावर तो नहीं है ना, ये तो पावर हमारे पास वैनिश हो गई। नाउ 9 की पावर 5, तो अब 9 की पावर 5 का क्या मतलब हुआ कि 9 को हमने 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, जब आप इस 9 पांचों 9 को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द आंसर। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे पास जो पावर है वो अब वैनिश हो गई है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज 6 की पावर 4। 6 की पावर 4 का मतलब कि मैंने 6 को 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है। जो मैं 6 को 4 टाइम्स लिखूंगी तो वो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा, एंड फिर इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। सो आई होप सो डेट आप लोगों को जो ये बात समझ आ गई होगी कि हमने बेस किस तरह से लिखनी है, हमने एक्सपेंड करके किस तरह से लिखना है। अगर मैं इसी को क्लोज फॉर्म में बोलूं तो आपने उसको क्लोज में कैसे लिखना है, हमारे पास बेस क्या होती है, हमारे पास एक्सपोनेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इंडिसेस क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, हम किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इन सब की। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो प्रॉपरली समझ आया होगा कि आपने किस तरह से करना है और किस तरह से आपने अगर क्वेश्चन आप लोग कोई भी दे दिया जाए देन हाउ यू हैव टू राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट, तो आप वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि मैं इंडेक्स बोलूं, बेस बोलूं या पावर बोलूं, ऑल दीज 3 आर द सेम वर्ड्स, ठीक है। तो ये सेम वर्ड्स, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लोज फॉर्म दे दी जाए तो आप क्लोज फॉर्म से ओपन फॉर्म में भी लिख लेंगे, और ओपन जब फॉर्म आती है तो हमारे पास पावर जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। जब पावर खत्म करने के लिए ही हम अपनी ओपन फॉर्म को यूज करते हैं। सो नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक।